मध्य प्रदेश खरगोन के बड़वा में भूतड़ी अमावस्या के अवसर पर नर्मदा के दोनों तटों पर करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नर्मदा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। तंत्र मंत्र एवं सिद्धि क्रिया करने के लिए ये दिन प्रमुख माना जाता है। मध्य प्रदेश खरगोन के बड़वाह में भूतड़ी अमावस्या के अवसर पर नर्मदा के दोनों तटों पर करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नर्मदा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। तंत्र मंत्र एवं सिद्धि क्रिया करने के लिए ये दिन प्रमुख माना जाता है। भूतड़ी अमावस्या को लेकर दूर दूर से आए भोपे बाबा एवं देवी देवताओं के आराध्य एक दिन पहले इस तट पर पहुंच गए थे। रात 12 बजे तक हजारों लोगों ने अपना डेरा डाल लिया था। तंत्र मंत्र पूजन एवं हवन का दौर पूरी रात ही चलता रहा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शरीर में आ रहे देवी देवताओं व आराध्यों ने अपने त्रिशूल तलवार सहित अन्य निशान का नर्मदा जल में शुद्धिकरण कर पूजन किया। कई महिलाओं व पुरुषों को अलग अलग रूपों में शरीर में आ रहे देवी देवताओं ने निशान पूजन के बाद भक्तों सहित झूमते हुए नर्मदा में जाकर पूजन अर्चन करते हुए भक्तों को लगी हवा पवन बाहरी बाधाओं से मुक्ति दिलाई गई। कि आज हमारा वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, संवत 2074 खत्म होकर 75 प्रारंभ होने जा रहा है। वर्ष का आखिरी दिन है, इसमें भूतड़ी अमावस्या मनाई जाती है। वैसे सही शास्त्र के अनुसार ये जो है जो गोदड़ी अमावस्या मानी जाती है। जगह जगह देवी देवता घूम रहे हैं, अपने शरीर के अंदर आई हुई बाधाओं को दूर करने के लिए आज की अमावस्या विशेष पर्व माना गया है। इसमें रात भर सब देवी देवता यहाँ घूमते हैं और अपना अपना वर्चस्व दिखाकर और अपना अपना संघर्ष दिखाकर बड़ी बाधाओं को अपने शरीर से बाहर करने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको भूतड़ी अमावस्या कहा गया है। इसमें स्नान से हमारे शरीर के अंदर की जो बाधाएं हैं, देवी देवता जो घूमते हैं, ये लोग हमारे शरीर के अंदर की बाधाओं को दूर करते हैं और इसमें स्नान करने से हमारे शरीर की बाधाएं सारी दूर हो जाती है और अंत में हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे अमावस्या तो मोक्षदायिनी मनाई गई है, हर अमावस्या मोक्षदायिनी बताई जाती है। दोपहर न्यूज़ के लिए खरगोन जिले के बड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट।